हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज बताने वाला हूँ आपको फाइल्स गो के बारे में। तो देखिए, फाइल्स गो अभी यहाँ पे ओपन होने वाला है। देखो, फाइल्स गो ओपन हो चुका है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, फाइल्स नीचे फाइल्स के इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि डाउनलोड है। देखो, ये डाउनलोड ओपन होने वाला है। देखो, मेरे में अभी कुछ डाउनलोड नहीं है, आप देख पा रहे हैं। फिर ऐप्स, जितने भी ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल हैं वो यहाँ इस तरीके से दिख जाएंगे। और फिर इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है और डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आ जाते हैं क्लीन पे। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख पा रहे हैं, एक फाइल और एक क्लीन। तो हम जंक फाइल, देखो आप ये पहला ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ से हम जंक फाइल क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये टिक लगाता हूँ और ये क्लियर हो जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा क्लियर होने में। तो वो क्लियर होना स्टार्ट हो गया है, 1 MB का हो चुका है, 2 MB हो गया, 7 MB, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 MB का क्लियर हो चुका है। अब ये यहाँ दूसरा ऑप्शन है, इसे भी हम क्लीन कर सकते हैं। देखो, ये क्लीन हो चुका है। यहाँ पे ओके कर देते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं बस फाइल गो के बारे में बताने वाला था। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो हम ऐप डाउनलोड करते हैं फाइल्स वाला, हमें पता नहीं होता है कि फाइल्स वो भी इसमें अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम अपने फ़ोन की स्पेस को मतलब एक्स्ट्रा ऐप से नहीं घेरने देते हैं, मतलब है कि स्टोर थोड़ा खाली रहता है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके।